क्वेश्चन में गिवन है कि पी वन पी जे के साथ पेयर करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी प्रोपोर्शनल टू जे है। तो पी वन जो है वो या तो पी टू के साथ पेयर करेगा, या पी वन पी थ्री के साथ पेयर हो रहा होगा, या पी वन पी फोर के साथ पेयर हो रहा होगा। पी वन पी टू के साथ पेयर करेगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी टू के प्रोपोर्शनल है, तो उसको मैं टू के मान लूँ। इस बात की प्रोबेबिलिटी कि पी वन पी टू के साथ पेयर करेगा, ये प्रोबेबिलिटी टू के बराबर है। पी वन पी थ्री के साथ पेयर करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी थ्री के बराबर है। और पी वन पी फोर के साथ पेयर करेगा, इसकी प्रोबेबिलिटी फोर के बराबर है। ये बात समझ गए। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि टू के प्लस थ्री के प्लस फोर के दिस शुड बी इक्वल टू वन, क्योंकि पी वन किसी न किसी के साथ तो पेयर करने वाला है, या टू के साथ या थ्री के साथ या फोर के साथ। तो इसको सॉल्व करने पर के की वैल्यू आती है 1/9। अब अगर पी टू को हमें विन कराना है तो पी टू वन तभी कर पाएगा जब पी टू या तो पी थ्री के साथ पेयर करे, या फिर जो पी टू है वो पी फोर के साथ पेयर करे, क्योंकि दे रखा है कि पी आई विन्स इफ़ आई इज़ लेस देन जे। पी टू पी थ्री के साथ पेयर करे, इन अदर वर्ड्स पी वन जो है वो पी फोर के साथ पेयर करे, या फिर पी टू पी फोर के साथ पेयर करे, इन अदर वर्ड्स पी वन जो है वो पी थ्री के साथ पेयर करे, तभी तो पी टू और पी फोर आपस में पेयर हो पाएंगे। पी वन पी फोर के साथ पेयर करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी देख ली अपन ने कितनी है, फोर के, फोर के, और का मतलब ऐड करना है। पी वन पी थ्री के साथ पेयर करे, इस बात की प्रोबेबिलिटी है थ्री के, थ्री के, टोटल आया सेवन के, और के की वैल्यू डालें तो प्रोबेबिलिटी निकल के आई 7/9।